से, औरंगजेब के जमाने से बाबा विश्वनाथ के दरबार को उधार दिया गया था। वहां जाते थे, श्रद्धा थी, ज्योतिर्लिंग है, देश और दुनिया के लोग जाते थे, मन मसोक कर बैठ जाते थे, मन मसोक दुख होता था कि बाबा सुने सुने बैठे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर औरंगजेब से लेकर आज तक जितने लोगों का जी जला था उसका प्रायश्चित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश बाबू को कि मां विंध्यवासिनी का दरबार आपने क्यों नहीं सजाया, बाबा विश्वनाथ का दरबार आपने क्यों नहीं सजाया, कार सेवकों पर गोली आपने क्यों चलाई थी। उत्तर प्रदेश की जनता इसका जवाब भी मांगती है, इसका हिसाब 109 किलोमीटर तक जाता है, 109 किलोमीटर। और मां गंगा का पानी, अखिलेश मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैं आया था आपके पिताजी के शासन में भी, आपके शासन में भी, गंगा मां में आंख मीच कर श्रद्धा के कारण डुबकी तो लगा दी, आज मन नहीं कर पाया था, प्रदूषित पानी बहता था। अगर आज देखना है, पूछते हो ना क्या परिवर्तन हुआ है, तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर लो, गंगा के अंदर डुबकी लगाकर भ्रष्टाचार का पाप धो लो और आचमन भी कर दो, गंगा को हमने शुद्ध करने का काम किया। मित्रों, ये समाजवादी पार्टी और बसपा उत्तर प्रदेश को फिर से एक बार जंगल राज की ओर ले जाएगी। उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में देश में सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था बना है। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे आगे निकला है और उत्तर प्रदेश एक और 5 साल दे दीजिए, उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। मित्रों, नंबर 1 राज्य। मौसम सुबह से खराब चल रहा था, 2.5-3 घंटा लेट आया हूं, मगर मैंने हेलीकॉप्टर से देखा, जहां तक नजर पहुंचे मुंड ही मुंड दिखाई दे, रोड पर, चौराहे पर, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के कार्यकर्ता अपना झंडा लेकर खड़े हैं। मित्रों, यही बताता है कि यहां पर 6 की 6 सीटें इस बार नरेंद्र मोदी जी की झोली में जाने वाली है। मित्रों, ये उन्नाव पर दोनों की कृपा है, कलम की भी कृपा है और तलवार की भी कृपा है। यहां बड़े से बड़े वीर लोग भी हुए हैं और सरस्वती के पुत्र भी यहां से आगे बढ़े हैं। ये धरती जिन्होंने आजादी के आंदोलन में आजाद से ही अपना नाम दुनिया में मशहूर कर दिया, अंतिम सांस तक आजादी रहे, ऐसे हमारे चंद्रशेखर आजाद की भूमि है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। ये राजा राव रामबख्श सिंह जी की भूमि है, ये शहीद गुलाब सिंह लोधी की भूमि है और पुलवामा हमले वक्त अगर आज देखना है, पूछते हो ना क्या परिवर्तन हुआ है, तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर लो, गंगा के अंदर डुबकी लगाकर भ्रष्टाचार का पाप धो लो और आचमन भी कर दो, गंगा को हमने शुद्ध करने का काम किया।